दुनिया में सात किस्म के लोग होते हैं, वो सात किस्म क्या है, सात प्रवृत्ति, सात नेचर, अलग अलग सात किस्म का उनका नेचर होता है उन लोगों का, ठीक है। अब हम लोग जब ये वाली स्टडी करते हैं, सेवन रेस की जब हम स्टडी करते हैं, तो हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें वो सातों किस्म के जो प्रकृति के लोग होते हैं ना, उनको हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, उनको हम लोग समझ पाएंगे। तो अगला किस बात का, हम समझ नहीं पाते अलग अलग किस्म के लोगों को, वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उनका क्या प्रॉब्लम है, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, हम उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, यही तो सारा एक प्रॉब्लम का जड़ है ना। जब हम हर किस्म के लोगों को समझ जाएंगे, उनका स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ जाएंगे, तो क्या हमको मेंटल क्लैरिटी नहीं आएगी, इन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं भागेगा, ठीक है। जब भी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, ये लोग खुशी खुशी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे और उसको पूरा करेंगे। ये जो किस्म के लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। फियरलेस होंगे, बहुत ज़्यादा करेज होता है इनके अंदर में। अब ये लोग बहुत चीज़ों को टॉलरेट कर लेते हैं, जो कि अनटॉलरेबल भी होती है एट मेनी टाइम्स, और इनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, खुद के प्राइड की वजह से या फिर डिस्ट्रैक्शन ऑफ लव, काइंडनेस एंड नॉन इंजरी। इस वर्चू को डेवलप करने के लिए मेडिटेशन इज ट्विन हार्ट मेडिटेशन। वो जितना बोलेंगे उतना करके आएंगे। आप उनको बोलेंगे कि अरे अपने आप कर लेना, वो एक इंसान को भगवान बना देते हैं, और जैसे उसकी एक कमी नजर आती है ना, अब वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन। फैन मूवी जो भी आई थी शाहरुख खान की, पहले उसके लिए भगवान था, उसके लिए कुछ भी करेगा, एक चीज उसको खर गई, अब वो उसी को बर्बाद कर देगा। डिटेक्टिव इज रे फाइव। टीचर्स, मदर्स, नर्सेस, ऑल द केयरिंग एंड नर्चरिंग काम, HR, उनका काम भी आई थिंक केयरिंग एंड नर्चरिंग ही है, ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोग, राइट। तो कोई भी केयरिंग या नर्चरिंग वाला काम अगर होता है, चाहे वो मदर का हो, नर्स का भी वही काम है, केयरिंग एंड नर्चरिंग, राइट। यानी इरिटेटिंग लेवल तक घुस जाना, दैट इज एग्जाम्पल। बताइए ऐसे कौन से लोग होते हैं जो एकदम इम्प्लीमेंटेशन करके छोड़ते हैं, आप उनको जितना काम बोलेंगे वो उतना करके ही आएंगे। आर्मी, सोल्जर्स, और डे टू डे में बताइए, आप लोगों के डे टू डे में आप लोगों से जो मिलते जुलते रहते हैं, हाँ ये हम यूज किया, ये प्रोडक्ट अच्छा है, लेना है तो लो, नहीं तो जो करना है करो, आई डोंट केयर। लोग दुनिया में जिसका आपको रे समझ ही नहीं आते, लुप्त रहेंगे, जहां बैठा हूं वहीं मिक्स हो जाते हैं, हर ग्रुप के संग मिक्स हो जाते हैं, कहीं किसी से लड़ाई नहीं चलता है, सबके संग जैन हो जाने वाले लोग। है ब्यूटी, ब्यूटी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहता है इनका, ब्यूटी की तरफ जो अच्छी सुंदर नहीं दिखेगी ना वहां जाएंगे नहीं। एक्सटर्नल ब्यूटी से थोड़ा अट्रैक्टेड ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इनको पीस चाहिए, और पीस ब्यूटी में होती है, ब्यूटी में पीस है, पीस में ब्यूटी है। एम्बेसडर, बैंकर, आर्टिस्ट, सहन कर लेंगे, हम देख लेंगे, वो वाला एक एटीट्यूड, हर चीज में सेल्फ सेक्रीफाइस करने का सोचते रहते हैं, ठीक है। और है महान होना चाहते हैं, महान, अभी स्टेटिस्टिक्स में आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ मसीहा कॉम्प्लेक्स, सब चीज में उनको महान बनना है, महान दिखना है कि हाँ हम तो मतलब क्या बोलते हैं, त्याग की देवी है, त्याग की देवी।